मैं मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश बसदा विच मुलक अरब इत्था मैं मुठड़ी हरे सजसी ने सिके दी सांग लगे दुखे दिलड़ी दे हथ टाक लगी थैरल मिल सूल समूले सब इत्था में मुठड़ी नित जान बलब सोना खुश बसदा विच मुलक अरब इत्था में मुठड़ी। इस सोनी तकरीब दे मेज़बान सरेकिस्तान कौमी इत्तेहाद ते मिनोरिटीज मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी हैं। इन्हें लुहाइन तंजीमों का बुनियादी मकसद जितना सरेकी आवाम के हकूक की गुफ्तगू है उनके नाल नाल तहजीब और सकाफत का फरोग और इंसान दोस्ती का फरोग भी लाजमी इन्हें मंशूर का हिस्सा है। कि आज की यह जी तकरीब है पई इनका बुनियादी थीम यह पिया कि सरेकी तहजीब और सकाफत क्या है और जिस वक्त कौमा तहजीब सकाफत धरती और तारीख के हवाले अपनी सुजाण का आगाज करेंगियन तो उन्होंने इंसान दोस्ती भी आती है उन्हें जमहूरी रवैये भी आने और ये दसना चाहते हैं असा कि सरेकी कौम बुनियादी तौर पर पुरअमन कौम है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान की जितना गाल करें उतना अपने हकूक की गाल भी करें और ये इन्हों का बुनियादी जरा मकसद है वो इो है पिया कि जब तक तुसा मुल्क दिया मुख्तलिफ इकाइयों का एतराफ़ ना करे सो कौमीती मसले को ना समझे सो उन वक्त तक शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन ना थी सके। पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जिंदे जो बुनियाद बनया है उले भी उन बुनियादी तादाद मौजूद है को हल नहीं किया गया और अज वल तादाद मौजूद है वह तादाद है इतों के वसण वाले लोग सकाफत उन्हों का कल्चर उन्होंने माशी वसैल उन्होंने कुदरती वसैल वो देवन और एक बह के नाल और अमन रावण की मसला है जो पाकिस्तानी रियासत ने 63 साल टच नहीं किया हल करने की कोशिश नहीं की जिंदा नतीजा यह है कि इतना बदअमनी है तरक्की नहीं थी पी लोग एक बह फिरका वारियत मुबतला थी गए और उनका नतीजा यह थी पे सारी आने वाली नस्ल जी है वो टुकड़े बढ़ती वही है कि कोई मजहब के नाते कोई लैंग्वेज के नाते कोई बिना मुख्तलिफ हवाले मुआशे मफादात के नाते जरूरत ही शायद यह आई कि इतना रहने वाले जो कौम हैं जो हज़ारा साल तो रहा पे उन्होंने नाल उन्होंने मजाजी मसले को हल करें दे पाकिस्तानी रियासत ने हुकूम आज तीन हाथ नहीं रखे हूँ जी मुसलसल पाकिस्तान बनने तो गेंद तक एक मुतालबा सियासी तौर पर आता रहा पोलिटिकल पार्टियां बने उन्होंने मंशहूर प्रोग्राम में ये गाल रखिया गया कि जनाब पाकिस्तान का मसला यह है कि इतना बहुत पांच कौम या उन पहले बंगलादेश बनने तो पहले 6 कौम आ सकते हो तुम उन्होंने वतन तो उतों के वतन रहने के लोगों की हकायक को उन्होंने सकाफत को उन्होंने कल्चर को मनने की गाल है लेकिन उसको ना मनिया गया और पहले भी एक तजर्बा थिया पाकिस्तान के अंदर कि जेड़े वेले अक्सरीती आबादी की जबान को ते पाबंदी ला के ते एक अक्सरीती ग्रोह की जबान को कौमी जबान देता तो ला महाला एक तादाद पैदा थी बना है जिन्हें नतीजा ये निकला कि अच्छा पाकिस्तान चला गया। इतना सिंधिया का मसला है इतना बलोचा का मसला है इतना पख्तूना का मसला है इतना सरेकियां का मसला है और इतना रहने वाले जो दोस्त पाकिस्तान तो बाद इतना आए हैं उन्होंने मसला है। काजी जफर साहब को सुन सु बिना गुलकारा को भी नाल सुनने
और उन्हें दे रवैये और सकाफत ही का दिती है ई ओ त्रोड़ फोड़ का नतीजा है कि सिंध को उन्हें मामनीन को कट के उन्हें दे मातहत बना दिता गया। एक बड़ी फिलोसॉफिकल हकीकत है कि पैदावारी रिश्ते हमेशा सकाफत को मुकर्रर करें और पैदावारी रिश्ते का बुनियादी मंबा वादिये सिंध है, दरियाए सिंध है, बाकी उन्दे मामनीन है। पहले ये थी ना रह गया कि दरियाए सिंध अपनी तहजीब भी रखता है और अपने मोमनीन को भी नाल खेन के टुरदा है। फिर हमलावरें की तोड़ फोड़ का नतीजा निकलिया कि मोमिन असल दोते काबिज सी गए। कौमियत की जड़ी तारीफ है वो ये है कि अफराद का गिरोह भावें हजारा से मुश्तमिल होवे, भावें लखा से, भावें करोड़ा से, अफराद का गिरोह चंद मुश्तरका एहसासात की बुनियाद थे, यानी अपने आप को हिको कुछ समझते और दूजे इस किस्म के ख्यालात रख एहसासात रखने वाली लोगों को या गिरोह को अपने को मुख्तलिफ समझते तो वो कौमियत है। हूँ वो एहसासात कौन हैं, क्या हैं, या वो कौमियत के अज्जा कड़े हैं पे जिन्हों की बुनियाद उत्ते एक यूनिट को एक अफराद के गिरोह को असा कौमियत आखूँ, तो वो अज्जा जड़े हैं कौमियत दे ओ हिम मुश्तरका रिहायश, यानी वो लोग एक इलाके रहते हुए। नंबर दो मुश्तरका जुबान, वो सारे वो कौमियत का मुतालबा करने वाले लोग जो कौमियत जड़ी है मौजूद है जो उनका मुतालबा करेंगे पैन तो उन्हां दी जुबान भी मुश्तरका हुए तो सारे एक बोली बुलेंदे हुए। कि जो कोई कम्यूनिटी अपने आप को यह डिकलेयर करता है कि अज तो बाद साड़ी जुबान है तो किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि उन्होंने अपना पसंदीदा नाम दे। तो इस खिते के लोगों ने जो अपनी जुबान में सराइकी का नाम दे दिता तो फिर वो सराइकी हैगे है, वो किसी डिक्शनरी चो लभण की लड़ नहीं, किसी हिस्ट्री चो लभण की लड़ नहीं। जरा पाकिस्तान ने इकाई की तकसीम है हूँ बुनियाद पर इकाई की तकसीम की वजे, अगर ही पंजाब में देखो अपर पंजाब तो उतना पंजाबी भी रहते हैं, पोठवारी भी हैं, कश्मीरी हैं, दीगर कौम हैं, लेकिन वो धरती सर जमीन पंजाब की है लिहाजा उन्होंने पंजाब है। इवें सिंध हर लिसान के लोग रहते हैं लेकिन सकाफती इकाई सिंध की तस्वर की वही है। इवें बलूचिस्तान भी पश्तून रहते हैं, दीगर कौम रहते हैं, लेकिन वह सर जमीन सकाफती लिहाज न बलोचन की है लिहाजा उन्होंने बलूचिस्तान है। इवें पख्तून जरा है 65 साल तो अपने ना तो शनाख्त वास्ते जदोजहद करते पे हैं तो अज ही असम्बली ने जमहूरी हकूक तस्लीम कर पख्तून खा दिते, लिहाजा सराकी भी उहे हकूक चाहते हैं, असारा भी शराखती बुनियाद सूबा हुए और सराकिस्तान हो। तोड़े दिकड़े तोड़े खादड़िया ओ तेरे ना तू मुफत विकादड़िया तेरे बांदिया दी सोना बांदड़िया हिमदर दे कुत्ते या नाल अदब तेरे बांदियां दी सोना बांदड़ियां हिमदर दे कुत्ते या नाल अदब इत्था में मुठड़ी।